जो माफी मांगने की बात कह रहे हैं वो वाजपेयी जी ने भी मांगी। आई नो पीपल जिनको पर्सनली फोन करके वाजपेयी जी ने अश्रु बहाए और माफी मांगी कि मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। कई मुस्लिम परिवार लीडिंग फैमिलीज को वाजपेयी जी जिनको जानते थे उनको पर्सनली फोन करके माफी मांगी। तो कहने का अडवाणी जी ने बिल्कुल नकार ही दिया कि उनकी तो मंशा थी ही नहीं। तो इस लिहाज से तो बहुत से संघ के नेताओं ने अपने को बहुत कमजोर सिद्ध किया ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने तो स्वयं कहा है, और मैं आज से नहीं बोल रहा, जब आडवाणी जी से कहा था तब से ही इस बात का कि आडवाणी जी ने कर कैसे दिया ऐसा, ये जीवन का सबसे काला दिन कैसे हो सकता है। और आप देखिए, उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को, मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति को इस्लाम की समझ ना हो, मगर जो कराची से निकलकर आया है, जिसके परिवार मित्र बंधु हजार लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसे तो पता है इस्लाम क्या है, वो ऐसी बात कैसे कह सकता है। मगर नृपनीति वारांगना राजनीति वेश्या है, ये बिल्कुल सही सही वाक्य है। कौन सा केंचुल उतार के कौन सा रंग मुखौटा लगा लें, क्या कर लें, क्योंकि तो वैचारिक दृष्टि से, और इसके लिए हिंदू समाज को कोसने से बात नहीं बनती, क्योंकि आपने हिंदू होने के नाते कभी आवाज भी तो नहीं दी, मुद्दे उठाए वो इसलिए उठाए, जैसे अभी तो ये लगने लगा है कांग्रेस मुसलमानों को डराती थी कि हिंदू खा जाएंगे, हमें वोट दो तो हम बैलेंस रखेंगे। ये जो हमारा परिवार है, ये हिंदुओं को डराता है इस्लाम से कि खा जाएंगे, हमें वोट दो।